रबी, आपको ये बताएं कि इमरान खान ने कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए हैं। इसराइल की जानिब से बताया जा रहा है कि इमरान खान की रात देर तक कानूनी टीम से मशावरत जारी रही। इमरान खान की लीगल टीम सुबह 8 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने जा रही है। इसराइल की जानिब से बताया जा रहा है इमरान खान पर लगी दहशतगर्दी के दफात के हवाले से कानूनी मौकफ पेश किया जाएगा। तफसीला जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा? जी बिल्कुल, इमरान खान की जो रात देर तक अपनी कानूनी टीम से मशावरत जारी रही, और ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान ने जो कानूनी दस्तावेजात हैं उन पर दस्तखत कर दिए, और ज़राए का ये भी बताना है कि इमरान खान की जो लीगल टीम है वो अब से कुछ देर बाद जो है 8 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर लगी जो दफात है उसके हवाले से कानूनी मौकफ पेश किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के हवाले से जो उनके गिरफ्तारी के हवाले से जब से खबर चली थी तो उनके कारकुनान जो है वो बनिगाला पहुंच चुके थे, और रात से लेकर अब तक जो है उनके कारकुनान यहां पर मौजूद हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूं इमरान खान के जो उसकी जो रेजिडेंसी है, उनकी जो रहायश गाह है, उसके बाहर अब भी यहाँ पर कारकुनान मौजूद है। तहम बिल्कुल ठीक है, अभी कारकुनान यहाँ पे मौजूद है, और तहरीक इंसाफ अगला रहमल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जा रहा है। शुक्रिया आपका ज़ीशान, आपने अपडेट किया।